सब्जी नहीं काटना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान उनको राम नाम जपना चाहिए, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्रों का जप करना चाहिए और जैसे ब्लेड है, कैंची है, सुई है इत्यादि सब चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ग्रहण के दौरान खाने पीने से बचना चाहिए। जब कुछ खाते भी हैं तो उसे ग्रहण के सूतक काल के पहले, शुरू होने के पहले कर लें और ध्यान रखें कि जो भोजन उनको लेना है, जो खाना है, उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल लें और ये भी ध्यान रखना कि तुलसी का पत्ता सूतक के पहले तोड़ लें, सूतक काल में नहीं तोड़ना चाहिए। और जैसे ग्रहण काल समाप्त हो जाता है तो फिर नहा धो करके उनको अपने राशियों के हिसाब से दान करना चाहिए, घरों को धोना चाहिए और अपने इष्ट की आराधना करना चाहिए, नमक के पानी से वो लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए ताकि घर पवित्र हो जाए। तो ये ध्यान रखें और इस दिन ये ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि चंद्रमा मन का कारक है तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा आती है, इरिटेशन होता है, तो गुस्सा इत्यादि से बचना चाहिए। जी बाबा के गुरु जी, देखिए आपने अभी अभी जिक्र किया था कि चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का नाम ले, मंत्र का जाप करे, तो चंद्र ग्रहण के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए वो भी बताएं। जी देखिए रंजना, यह चूंकि चंद्रमा खास तौर से जो देवाधिदेव महादेव हैं उनके सिर पर रहते हैं तो चंद्रमा के ऊपर लग रहा है, तो अगर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। ओम सोम सुमाय नमः इस मंत्र का जप करे, ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जप करे, गायत्री उपासना करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करे, तो यह ग्रहण उनका शुभ में बदल जाता है और ग्रहण काल में मंत्रों की आप सिद्धि कर सकते हैं। जो धनार्थी, जो धन की इच्छा रखने वाले लोग हैं वो वैभव लक्ष्मी के मंत्र का एक माला जप करे, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और कम से कम ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए ग्रहण के दौरान। अगर किसी के ऊपर लगता है कि कोई तंत्र मंत्र किया है, उसको परेशानी हो रही है, तो आप कम से कम बंगला मुखी मंत्र का भी जप कर सकते हैं, इससे आपके शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। मंत्र है कि ओम ह्रीम बंगला मुखी सर्व दुष्ट नाम वाचम मुखम पदम अस्तंभय। इस तरीके से चंद्र ग्रहण के दौरान आप चंद्र देव के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जैसे ओम सोम सोमाय नमः, ओम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इन सब मंत्रों का जप कर सकते हैं। और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो खास तौर से इसमें अगर देवाधिदेव महादेव की आराधना किया जाए तो आपके सभी कष्टों का निवारण होता है। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए रंजना जी, कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, पूजा करता है, उसको पूजा का फल नहीं मिलता, धन कमाता है, धन उसको नहीं मिलता, और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देता उसको सफलता नहीं मिलती, ऐसे परिस्थितियों में उसको ग्रहण काल के दौरान जैसे किसी की कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु है या चंद्रमा के साथ केतु है या राहु के साथ सूर्य है या राहु के साथ चंद्र सूर्य के साथ केतु है, ऐसे परिस्थिति की कुंडली में ग्रहण योग लग गया, तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति अपने पितरों को दान कर सकता है, जैसे चावल है, तिल है, जौ है, उसे तर्पण करना चाहिए।